वेलकम ऑन माई चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम जिस लेसन प्लान पे डिस्कस करेंगे वो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पे, और जिसका टॉपिक है सिलेंडर। ओके, सो इस लेसन प्लान में हम समझेंगे कि आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, कैसे आप ये लेसन प्लान इजीली रेडी कर सकते हैं। तो ये टॉपिक पे बात करते हैं सिलेंडर, और ये बहुत ही अच्छा लेसन प्लान होने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहला आपको करना होता है जनरल एंट्रीज़ का। जनरल एंट्रीज़ में आपको यहाँ पर कुछ ऐसी एंट्रीज़ करनी होंगी। सबसे पहले आप यहाँ पर डेट लिखेंगे, देन सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर टॉपिक लिखेंगे, और दूसरे साइड इसके ड्यूरेशन लिखेंगे। 15 मिनट्स ड्यूरेशन है इस लेसन प्लान की, और पीरियड है जो भी आप लिखना चाहें जिस पीरियड पे। क्लास है 8, और ये लेसन प्लान रेडी किया गया है NCERT बुक से। तो ऐसी ही जनरल एंट्रीज़ आपको लेसन प्लान में भी करनी होती है, और ऐसी ही जनरल एंट्रीज़ आपको बोर्ड पर भी करनी होती है। ये स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप आता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स का। तो जनरल ऑब्जेक्टिव को बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लेसन प्लान सब्जेक्ट्स साइंस के, मैथ के, कॉमर्स के अपलोड होने वाले हैं, जिनके वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। इसलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और अच्छा सा कमेंट दे दिया करें, और चैनल पसंद आए शेयर ज़रूर करें। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स की बात हम करते हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, वैसे तो मैं अपने हर एक लेसन प्लान में बताती हूँ आपको, और इसमें भी एक जनरल में बता देती हूँ कि जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव अगर सब्जेक्ट है मैथ, तो मैथ सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, क्या नॉलेज प्रोवाइड होते हैं, क्या मेंटल डेवलपमेंट्स होता है, क्या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स होते हैं, क्या बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैथ पढ़ाने के बाद। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स कुछ लिखे हुए हैं, इन्हें आप रीड कर लें। जैसे कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आप देख लें, टू गिव नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखा हुआ है, ये एक जनरल ऑब्जेक्टिव एक हो गया है, एंड सेकंड ये जनरल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे दो और यहाँ पे तीन जनरल ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, आप इन तीन जनरल ऑब्जेक्टिव को नोट डाउन कर लें। आप चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में बात करते हैं कि क्या करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पर आपको लिखना होता है कि जैसे मैथ के लेसन प्लान में जो भी चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, तो उस चैप्टर पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स के अंदर क्या नॉलेज प्रोवाइड होगी, क्या चेंजेस आएंगे, ये होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर एक लिखा हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पर आप दो से तीन या तीन से चार और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ तक का स्टेप। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेप टीचिंग एड का। तो टीचिंग एड में यहाँ पे लिखना है ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, या फिर आप जो भी पढ़ाने के लिए टीचिंग के लिए मेथड यूज़ करते हैं, और जो भी आप मॉडल यूज़ करते हैं, चार्ट यूज़ करते हैं, या ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो वो सब आप यहाँ पर टीचिंग एड में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज में आपको बस यहाँ पे लिखना होता है कि स्टूडेंट्स को पहले से इस चैप्टर के बारे में कितना पता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे आगे के। तो ये हो जाते हैं प्रीवियस नॉलेज का। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इंट्रोडक्शन का पार्ट। इंट्रोडक्शन के पार्ट में आप जो यूज़ करते हैं स्किल्स, जैसे सेट इंडक्शन की स्किल आप यूज़ करते हैं एज इट इज़, आपको यहाँ पर भी वैसे ही ये स्किल बनानी है। इंट्रोडक्शन का पार्ट यहाँ पर कॉलम में अगर आप बनाएंगे, तो सबसे पहले सीरियल नंबर, पीपल, टीचर, एक्टिविटी और स्टूडेंट रिस्पांस, तीन कॉलम आपको बनाने हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सेट करेंगे, तो क्वेश्चन आपको सेट करने हैं बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रख के, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे सेट करने हैं। तो यहाँ पर आप तीन से चार, चार से पाँच, जैसे भी क्वेश्चन चाहें आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन इसलिए सेट किए जाते हैं ताकि आप इंट्रोड्यूस करा सकें अपने चैप्टर को, और इससे बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आए, कंसंट्रेशन
क्रिएट हो, तो इसके लिए हम ये क्वेश्चन सेट करते हैं और इससे ये भी समझ में आता है कि बच्चों को कितना प्रीवियस नॉलेज है। ओके, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सेट करेंगे तो ये उसका आंसर स्टूडेंट का आंसर आएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेकेंड क्वेश्चन और इसका आंसर यहाँ पर आप लिखेंगे सेकेंड। यहाँ पे तीन क्वेश्चन बनाए गए हैं, थर्ड क्वेश्चन आप चेक कर लें, यहाँ पे लास्ट है ये प्रॉब्लमेटिक हो गया है। जो भी लास्ट क्वेश्चन होगा वो प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए, प्रॉब्लमेटिक जब होता है उसके बाद अनाउंसमेंट करनी होती है अपने टॉपिक की, चैप्टर की। तो ये क्वेश्चन आप देख लें, इंट्रोडक्शन का पार्ट है ये, क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ एम। तो स्टेटमेंट ऑफ एम में, आपको यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देनी है, ठीक है, कुछ इस तरह से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ तक स्टेप आपको क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप आता है प्रेजेंटेशन का पार्ट। प्रेजेंटेशन के पार्ट में भी यहाँ पर आप कुछ ये कॉलम बनाएंगे, सीरियल नंबर, पीपल, टीचर, एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पांस, ब्लैकबोर्ड वर्क, इतने कॉलम आपको बनाने हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मैथ के और भी लेसन प्लान देखने हैं तो वो भी हमारे चैनल पे पहले से ही कई सारे लेसन प्लान मैथ के अपलोडेड हैं, उन्हें भी आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको साइंस के देखने हैं तो वो भी अपलोडेड हैं। आगे चल के साइंस के, फिजिकल साइंस के, बायोलॉजिकल साइंस के, कॉमर्स के, मैथ के और भी लेसन प्लान अपलोड होते रहेंगे। तो प्लीज़ जब तक वीडियो की लिस्ट में जाके आप और भी लेसन प्लान चेक कर सकते हैं। इसके आगे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जब तब आप एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे यहाँ पर सिलेंडर का है तो आपने एक पूछ लिया व्हाट इज सिलेंडर। सो इसी के बाद आपको इसी का एक्सप्लेनेशन भी देना है और यहाँ पर स्टूडेंट रिस्पॉन्स में क्या रिस्पॉन्स मिलता है स्टूडेंट का, तो वो आपको नोटिस करके यहाँ पर लिखना होता है और कुछ यहाँ पर ब्लैकबोर्ड वर्क करना होता है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन आप देख लें। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर आप सिलेंडर पढ़ा रहे हैं तो सिलेंडर के बारे में बता दें, उसकी डेफिनेशन बता दें, उसको क्लियर कर दें कि व्हाट इज़ सिलेंडर, ठीक है। इसको पूरा तरीके से अच्छे से इसको आपको क्लियर कर देना है। और यहाँ पे आप साइड में देख रहे होंगे कि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क कुछ इस तरीके से किया गया है, तो आपको भी ब्लैक बोर्ड वर्क में इस कॉलम में भी यही करना है। और अगर बोर्ड परफॉर्म कर रहे हैं तो बोर्ड पर भी आपको एक्सप्लेनेशन देते साथ ही आपको ये ब्लैक बोर्ड वर्क करते रहना है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया है एक्सप्लेनेशन का, ये डेफिनेशन सिलेंडर की। अब डेफिनेशन सिलेंडर की तो आपने समझा दी है, इसके आगे आप जो समझाएंगे वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर बता देंगे कि सिलेंडर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो पॉइंट पॉइंट करके, एक एक पॉइंट करके आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को क्लियर करते जाएंगे, समझाते जाएंगे। तो ये पॉइंट जितने भी हैं आप इन्हें नोट डाउन करते रहें, यहाँ पर देख लें, सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। फोर्थ पॉइंट एंड ये फिफ्थ पॉइंट, और यहाँ पर कुछ ब्लैक बोर्ड वर्क भी किया गया है। ऐसे ही ब्लैक बोर्ड वर्क आप भी नोटिस कर ले, देख ले और लेसन प्लान में अपने ऐड कर ले। इसके बाद ये सिक्स पॉइंट आ जाता है, इसके बाद आता है सेवन पॉइंट। तो यहाँ पर सिलेंडर की टोटल सात प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं, इन सभी प्रॉपर्टीज़ को आपको नोट डाउन करना है और एक्सप्लेन करना है एक एक करके। तो ये कंप्लीट होता है प्रेजेंटेशन का पार्ट। यहाँ पर ये बहुत ही इजी, तो ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी में आपको क्या करना होता है कि एक डिस्प्ले दिखाना होता है, जैसे कि आप बोर्ड पे परफॉर्म करते हैं एज इट इज़, आप वैसा ही एक सैम्पल, एक छोटा सा डिस्प्ले आपको यहाँ पर ऐड करके दिखाना होता है। बता दूँ यहाँ पे कि जब आप ये ब्लैक बोर्ड समरी का बनाएंगे तो यहाँ पर आप ब्लैक चार्ट या ग्रीन चार्ट यूज़ करके स्टिक कर दें, इससे आपका ये ब्लैक बोर्ड समरी और अट्रैक्टिव लगेगी, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपको ये बोर्ड वर्क करने से पहले यहाँ पर जनरल एंट्रीज, जैसे आप बोर्ड पे करते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको जनरल एंट्रीज करनी होती हैं, उसके बाद ये स्टेप को आप फॉलो करेंगे, उसके बाद अपने लेसन प्लान में ऐसा ही कुछ बनाएंगे। तो ये हो जाता है ब्लैक बोर्ड समरी का पार्ट। उसके बाद आ जाता है रिकैप क्वेश्चन। रिकैप क्वेश्चन में यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। रिकैप क्वेश्चन क्या होता है, हम क्यों पूछते हैं? तो रिकैप क्वेश्चन ये होते हैं कि जितना भी आपने चैप्टर को एक्सप्लेन किया होता है प्रेजेंटेशन में, जितना भी आपने एक्सप्लेन किया होता है, उसको जानने के लिए कि स्टूडेंट को कितना समझ में आया है, कितनी नॉलेज उनको मिली है, कितने कॉन्सेप्ट उनको क्लियर हुआ है, तो इसके लिए हम ये रिकैप क्वेश्चन ज़रूर
सो यहाँ पर आपने स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए अगले दिन के लिए होमवर्क दे दिया है। ओके, सो यहाँ पे कंप्लीट होता है ये लेसन प्लान। आई होप ये आपको लेसन प्लान बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट लेसन प्लान में आपसे मिलेंगे, और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। Let me up with a bright smile on now.